10.5.1 अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने देखा कि प्रकाश की चाल अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो अन्य किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में थोड़ी ही कम होती है। यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v है व निर्वात में प्रकाश की चाल c है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को परम अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या आपेक्षिक अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। परम अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात n बराबर c बटे v। समीकरण एक। प्रश्न चार। यदि पानी का परम अपवर्तनांक 4/3 है, तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हल। हम देखते हैं कि प्रश्न में दिया गया है पानी का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक है 4/3 और हमें पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें निर्वात में प्रकाश की चाल की आवश्यकता होगी। तो हम पहले देख लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर, जिसे हम c से प्रदर्शित करते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, तो पानी में प्रकाश की चाल v बराबर हम ज्ञात करेंगे। पानी में प्रकाश की चाल v बराबर हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम जानते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा इसके बारे में हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। तो अब हम इसमें इस संबंध में पानी का अपवर्तनांक का मान और निर्वात में प्रकाश की चाल लिख देंगे, तो हल करके हम पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम पानी के अपवर्तनांक की बात करें, तो उसे हम एन डब्ल्यू से दिखा सकते हैं और इसके बराबर में निर्वात में प्रकाश की चाल सी से और पानी में प्रकाश की चाल को हम दिखा सकते हैं वी डब्ल्यू से। तो अब हम इनका मान रखते हैं। पानी में अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है, पानी का अपवर्तनांक 4/3, प्रकाश का निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो है 3×10⁸ और पानी में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। चलिए इसे हल कर लें। तो पानी में प्रकाश की चाल बराबर हमको मिलेगा 3×10⁸ बटे 4। इसको हल करने के लिए ये हो गया 9×10⁸ बटे 4 और हमें इसका उत्तर मिलेगा 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
किसी माध्यम में प्रकाश कितनी तेज या धीमी गति से गमन कर रही है, इसकी जानकारी हमें पदार्थ के अपवर्तनांक से होता है। अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ में प्रकाश की चाल कम होगी। दी गई सारणी में अलग अलग पदार्थों के अपवर्तनांक और आपेक्षिक घनत्व का मान दिया गया है। n बराबर c बटे v के आधार पर हम विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल की गणना कर सकते हैं। सारणी को पूरा करें। 10.5.2 सापेक्षिक अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसे प्रायः संकेत 1μ2 अथवा n21 से व्यक्त करते हैं। n21 बराबर प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। समीकरण एक। n21 बराबर v1 बटे v2। समीकरण दो, जहां v1 प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल है व v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। यदि हम समीकरण दो को ऊपर नीचे c से भाग करें तो n21 बराबर v1 बटे c बटे v2 बटे c बराबर v1 बटे c गुणित c बटे v2 बराबर 1 बटे n1 गुणित n2 बराबर n2 बटे n1 अर्थात सापेक्षिक अपवर्तनांक n21 बराबर द्वितीय माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक n2 बटे प्रथम माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक n1 यानी कि n21 बराबर n2 बटे n1। समीकरण तीन। सोचिए क्या अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर करता है। प्रश्न पांच। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हल यहां पर हमें दिया गया है जल का अपवर्तनांक जो है 1.33। इसी प्रकार कांच का अपवर्तनांक भी दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक है 1.5। अब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि WnG ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WnG बराबर क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक यानी कि Ng बटे Nw। क्योंकि हमें इनके मान दिए गए हैं तो हम इनका मान रख सकते हैं। कांच का अपवर्तनांक है 1.5 बटे जल का अपवर्तनांक है 1.33। तो इसको हल करने से हमें मिलेगा 1.13 लगभग। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया 1.13 लगभग। इसी प्रकार अब हम ज्ञात कर सकते हैं कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये बराबर इसको हम क्या लिखेंगे, GnW बराबर GnW क्या होगा, जिस प्रकार हमारे पास यहाँ पर अपवर्तनांक था जल के सापेक्ष कांच का, इसके लिए कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। तो अब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए होगा जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। चलिए आगे हल करते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि जी एन डब्लू बराबर पहले हम लेंगे जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक है 1.33 बटे कांच का अपवर्तनांक जो कि दिया गया है 1.5। इसे हल करने पर हमें मिलेगा 0.89 लगभग। तो इस प्रकार कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हुआ 0.89 लगभग। अब हम यहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि हमने ज्ञात किया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि डब्लू एन जी, और ये है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि जी एन डब्लू। यदि हम इनका गुणा करें तो इनका मान हमने लिखा था एन जी बटे एन डब्लू गुणित, ये कितना हो जाएगा एन डब्लू बटे एन जी। इसे हल करने पर हमें मिल रहा है 1, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक का गुणनफल 1 मिल रहा है। इसे हम यदि जल को पहला माध्यम और ग्लास को दूसरा माध्यम मान लें तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1N2 गुणित 2N1 बराबर 1। यदि इस संबंध को हम शब्दों में लिखें तो हम लिखेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक गुणित माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर 1। अब हम इस संबंध को और कैसे लिख सकते हैं, 1N2 बराबर होगा 1/2N1, यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो होता है वो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। तो चलिए इस निष्कर्ष को हम लिख लेते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा कि 1N2 बराबर हमें मिला है 1/2N1, यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। याद रखें निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होगा, क्योंकि प्रकाश की निर्वात में चाल सदैव अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक होती है। वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, परंतु उसे सरलता के लिए 1 माना जाता है।